एक्साइटमेंट है. आकर्ष के साथ मैंने काम किया हुआ है एक फिल्म में, फिर मिथिला पालकर जिसके साथ मैंने पिछले साल एक मराठी फिल्म की थी मुरांबा, जो बहुत सक्सेसफुल रही. तो इरफान की पिक्चर है. बहुत सारे रीजंस हैं इस पिक्चर देखने के. आई एम श्योर इट विल बी अ फैंटास्टिक फिल्म. रोड ट्रिप, एक्चुअली रोड फिल्म एज कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कन्वेंशनल सीन्स नहीं आते हमेशा. वरना घर में इसमें उसमें वो सेम सीन्स आते रहते हैं, ऐसा लगता है ये सीन कहीं देखा हुआ है. फॉर अ रोड ट्रिप एक डायरेक्टर राइटर को एक बड़ी चैलेंज होती है. अलग से सीन्स बनते हैं, अलग इमोशंस बनती हैं, एंड टू एन एक्सटेंट इट बिकम्स अ मूविंग फिल्म. आई लव रोड ट्रिप्स. मैं बहुत बार पहले तो मैं मोटरसाइकिल पे जाता था, आजकल फैमिली मैन हूँ तो गाड़ी लेके जाता हूँ, बट आई लव रोड ट्रिप्स. जी नो, दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, बट आई एम श्योर ही इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी. और मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने उसके साथ काम भी किया है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक. मैं यही कहना चाहूँगा कि एक फ्रेश कॉन्सेप्ट की लाइट फिल्म, रोड ट्रिप विथ अ टैलेंटेड कास्ट एंड अ टैलेंटेड डायरेक्टर इज अ मस्ट वॉच. गो टू कारवा. थैंक यू. बेस्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगा कि बेस्ट थिंग वॉज आई सॉ द ट्रेलर एंड इट वॉज सो रियल. और जो रॉनेस है बहुत ज़्यादा है, प्लस इरफान खान सर इज देन, एंड आई जस्ट विश फर्स्टली इट गेट्स वेल सून. प्लस उनकी एक्टिंग देखने के लिए तो मतलब कोई भी बेताब रहता है. सो आई एम ह्योर एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी देयर इज अ गुड वाइब अबाउट इट. तो आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया. अब रोड ट्रिप पे हाँ हमेशा करना चाहूँगा यार, मतलब कुछ ऐसी आए एंड दैट इज फनी एट द सेम टाइम देयर इज सम मिस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, आई विल डेफिनेटली डू इट. रोड ट्रिप ही करता रहता. आई लव ऑफ रोडिंग, तो आई लाइक टू ड्राइव लॉन्ग ड्राइव्स एंड ऑल. मैं ऑडियंस को यही बोलूँगा यार, कारवां जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी देखिए. रोड ट्रिप भी है, मज़ा है, और आप देख सकते हैं कि देर इज समथिंग विच इज फिशी, तो पता लगेगा कि क्या है. तो एंड इरफान सर इज देर, आई थिंक यू कैन सी अ रियली गुड कास्ट. जस्ट गो एंड वॉच एंड हैव पॉपकॉर्न एंड एंजॉय. My dear friend Akash Khurana's film Karwaan, and मतलब खूब चर्चा किया करते थे हम इस फिल्म के बारे में, बड़ा बेसब्री से इंतजार था. एंड द काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट दिस फिल्म इज गेटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल द पीपल हैज बीन फैंटास्टिक. आई एम श्योर इट्स ऑलरेडी इवन बिफोर इट हैज रिलीज इट हैज गार्नर्ड द काइंड ऑफ लव. आई एम श्योर इट्स गोना बी अ गुड हिट, इट्स गोना बी अ बिग हिट. यार मुंबई में तो रोड ट्रिप हो नहीं पाती, मेरे तो आपको अच्छे से मालूम है, हर गड्ढे के बाद में एक नया ट्रिप शुरू हो जाता है. लेकिन कुछ बहुत अच्छी रोड ट्रिप्स की हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, एंड पीपल हु एंजॉय ड्राइव्स, पीपल हु लाइक गोइंग आउट ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, दे वुड रियली रिलेट विद दिस फिल्म. और जो नहीं भी जाते हो वो ये फिल्म देखें और अपने आप रोड ट्रिप पर निकल जाएंगे. कारवां के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के निर्माता जो हैं, इसके निर्देशक जो हैं आकर्ष खुराना, बहुत ही बेहतरीन शख्स है. और जब डायरेक्टर अपने आप में इतना मस्त मौला हो तो उसकी फिल्म तो बेहतरीन होती है. सो विशिंग माई डियर फ्रेंड आकर्ष खुराना ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.
excited. Yeah, I've been a big fan of all of them. I think DQ is a wonderful actor. Or Irfan sir ka to matlab, I think we all know, you know, we've been his fans forever. So I'm mostly happy because Akash, you know, the director of the film, is a very, very, very old friend of mine. My theatre days, matlab, he's directed me in lots and lots of plays. We've had a very close association for, matlab, wo ghar wala rishta hai. So I'm very biased towards this film. So yeah, I just all the love, that's all I can say. Script wala question pooch rahe ho. I think we all love road trips. I mean, I think all buddy movies are about road trips. And this has a very janebi do yaro feeling. So I'm very excited. The trailer, I think, you know, peaked it. And people are loving it. So, dekhte hain kaisa hai, matlab. I feel like a beautiful couple. Part of a very prestigious award. I think this whole year has been very nice. Vogue has been very kind, not just India, but American Vogue also. Because I've been shooting with them throughout, so I was very happy that they you know, gave us this award. It's very sweet. Yaar, abhi Prasthanam ki shoot chal rahi hai, jo ki Sanjay Dutt aur meri film hai. Saath mein Manisha Koirala bhi hain, Jackie Shroff hain, sab log hain. और मिलन टॉकीज की चल रही है तिग्मांशु गुलिया की तो अभी वो सब काम चल रहा है प्लीज वॉच एक हाउ डू यू से इन द ट्रेलर इट सेज थ्री लॉस्ट सोल्स आई थिंक वी ऑल हैड दैट एक्सपीरियंस एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स देखिए फिल्म एक बहुत ही प्यारी फिल्म है मैंने अभी देखी नहीं है एक्चुअली सो मैं सिर्फ ऐसे पिचिंग कर रहा हूँ उसकी तो प्लीज दैट्स ऑल आई वुड रेकमेंड टू एवरीबॉडी या Thank you. But it's always a mixed feeling. Lots of mixed feelings. Generally, our shooting on set mall बहुत अच्छा था. हम ये कह रहे हैं हमेशा से कि it was like a big picnic that we were on क्योंकि हम 30 दिन केरला में रहे हैं एक साथ travel किया है एक साथ shoot किया है तो on set तो मजे आ ही रहे थे लेकिन off set भी उतना ही मजा आ रहा था और जितना हमने मजा किया है वो सारा film में reflect हो रहा है we are hoping and audience को भी उतना ही मजा आएगा देखने में हाँ same no I think एक बहुत ही close knit family था फिल्म में हमारा पूरा जो team था जो director direction department हो या makeup department हो I think सब बहुत मजे किए I think shoot भी fun था और after shoot भी तो एक बहुत बड़े एक friend circle है अभी मेरा इस फिल्म से के वजह से बॉम्बे में तो या okay आपने बिग नाम महान है जी इन साउथ इंडियन तो आप कार्वन में आए कैसा experience था
I think it's a very exciting year for me. I've got to do films all over, and they've all been interesting projects. To work with Irfan is like a dream come true. I'm a huge fan and loved every minute of working with him. I think after the film, I've become a fan of the man he is, the human being he is. But yeah. Good? दोनों भी इरफान सर के फैंस हैं तो हम लोग को टू बिगिन विद वी वर बोथ वेरी नर्वस बट ही इज अमेजिंग एंड ही डजंट कम विद एन एयर ऑफ द यू नो ऑफ स्टारडम एट ऑल सो ही इज जस्ट इनटू इट एंड वी बोथ हैड अ लॉट ऑफ फन बहुत बहुत आई थिंक द बेस्ट वे टू सी एनीथिंग इज बाय रोड यू हैव नो टाइम टेबल यू हैव नो स्केड्यूल यू हैव नो फ्लाइट टाइम यू हैव नो not depending on anybody, just you and your who you're traveling with. Okay? Thank you guys. Thanks guys. Thanks. Dude, done. बहुत अच्छा रहा पहले तो मतलब क्योंकि इरफान सर इतने बड़े लेजेंड हैं तो हर कोई थोड़ा सा डरा हुआ सा रहता है तो हम भी थे पहले दो तीन दिन में ऐसा लग रहा था कि मतलब यार कि ऐसे कैसे होगा यार हम इतने पर फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि एक्चुअली वो बिल्कुल उस टाइप के हैं नहीं वो मतलब चाहते हैं लोगों से बात करना वो चाहते हैं कि लोग उनसे आकर बात करें और बहुत एक्सेसिबल हैं बहुत मतलब यारी दोस्ती में काम हुआ और मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया कि वो मतलब इतने और इतने कम्फर्टेबल और ईजी इंसान हैं तो जी एक्चुअली जो रोड ट्रिप ये फिल्म में हो रहा है जो बैंगलोर से ऊटी से कोची होता है ये मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद तीन बार किया है फिल्म लिखने से पहले तो एक्चुअली मैं इस रूट से बहुत वाकिफ़ हूँ इसीलिए ये रूट भी मैंने चुना क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत है और कहानी के तौर पे भी ये ज़रूरी था मैं थिएटर कंपनी चलाता हूँ तो थिएटर यूनिट के साथ बहुत ट्रैवल किया है बाय रोड तो किए हैं काफ़ी तो ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि बहुत प्यार से एक फ़िल्म बनाई है इसमें तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर हैं एक इरफान साहब हैं जो तो इंटरनेशनली और नेशनली स्टार हैं एक दुलकर सलमान हैं जो साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं जो आप बॉलीवुड में पहली बार आप उन्हें देख रहे हैं और वो बहुत ही उम्दा एक्टर हैं और एक हैं मिथिला पालकर जो इंटरनेट की ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और यूथ को वो लाएंगी हमारे पास इस फिल्म में तो मैं चाहता हूँ इन तीन लोगों की ऑडियंस अलग अलग ऑडियंस आए साथ में और एक ऑडियंस बन जाए और उससे सबका फ़ायदा हो तो थैंक यू यार मैंने ट्रेलर देखा है और ट्रेलर बहुत पसंद आया और इरफान साहब का काम देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं दुलकर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं मिथिला पालकर वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैम एंड आकाश इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म अच्छा लगता है यार रोड ट्रिप अच्छी कंपनी हो दोस्त हो यार हो अच्छा ही लगता है आफ्टर एवरी हेक्टिक शेड्यूल आपका मन करता है यार दोस्तों को फ़ोन करो और बोलते चलो यार गाड़ी निकालो तो वो तो अच्छा ही लगता है सो आई थिंक इसी फिल्म का जो स्टोरी है बेस है वो सब कुछ बहुत रिलेटेबल है और अच्छी तरीके से रिलेटेबल है सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड मैं तो आई वुड ऑलवेज विश हिम अ वेरी स्पीडी रिकवरी वी आर मिसिंग हिम ओवर हियर एंड आई होप ही कम्स बैक सून एंड gives great performances and just we just love him to bits and we can't wait to see him in our own country again main sabko bas kehna chahunga abhi tak film to maine dekhi nahi hai